दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्यों आपको खुशी नहीं है? देर आए दुरुस्त आए, होता है कभी कभी। क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है। और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग अलग इकाइयों में के बीच में भी एक समन्वय स्थापित होगा, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा और उसका परिणाम हम जो गति चाहते हैं उस गति को मिलेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, मुझे यहां आने में जो 5-7 मिनट देर हुई उसका कारण था यहां एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है, समय अभाव से मैं बहुत बारीकी से तो देख नहीं पाया, लेकिन सरसरी नजर से मैं देख रहा था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि समय निकाल करके 15-20 मिनट इसी कैंपस में है जरूर देख करके जाइए, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में रोल कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, और एक साथ सारी चीजों को देखेंगे तो आप इस क्षेत्र में होंगे तो भी शायद आपको बहुत सी नई चीजें प्राप्त होगी। आज हम दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्यों आपको खुशी नहीं है? देर आए दुरुस्त आए, होता है कभी कभी।
क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही जी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। साथियों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी सुनाई देती है। आज भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। पहले तो ये तय करना ही बड़ा कठिन रहता है, इतना बड़ा, पहले तो इतना था, अब एकदम ऐसा। लेकिन एक बार तय हो जाए तो देश कर भी देता है, उन लक्ष्यों को पूरा कर रहा है देश। आज भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सामर्थ्य एक प्रकार से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है, इसकी स्वीकृति बन रही है। जो लोग पीएलआई स्कीम का अध्ययन करेंगे को पता चलेगा कि विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया है जी। ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई ऊर्जा लेकर के आई है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को, कारोबारियों को, निर्यातकों को, देश के किसानों को, मैं आज इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार से जड़ी बूटी उनके हाथ लगने वाली है, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।